तो कहानी शुरू होती है ऐसे, हम बैठे थे फ्री। पहले हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, बाहर हमारी नज़र पड़ी हंग्री जैक्स पे। तो बाहर जाने से पहले हमने खोली उसकी ऐप, वहाँ पे किया हमने शेक एंड विन। तो इसमें होते हैं आपके पास दो चांस। तो पहले चांस में हमें मिला बर्गर जो हम खाते नहीं हैं, दूसरे चांस में फिर से वही बर्गर मिला जो हम नहीं खा सकते। फिर हमने गाड़ी को किया बंद और अपना मास्क उठाया और उसे हमने पहना। फिर हम बाहर को निकलने के लिए तैयार थे और बाहर निकले हम। और जैसे ही हमने बाहर पैर रखा, बहुत अच्छा मौसम था, मौसम का नज़ारा लेते हुए हम चल पड़े हंग्री जैक्स की। जैसे कि मौसम बहुत अच्छा था, हमने किया अंदर ऑर्डर, पैसे लगे कुछ $8। फिर हम वेट कर रहे थे जब तक ऑर्डर बनता है, तब तक और लोग आए, उन्होंने अपना ऑर्डर दिया और हमारे ऑर्डर की बारी आ गई। हमने अपना ऑर्डर लिया और हम चल पड़े अपनी गाड़ी की तरफ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, होप यू आर डूइंग वेल एंड यू आर वॉचिंग एक्सप्लोरर्स। तो गाइस, जो आज की वीडियो होगी वो आपको हम बताएंगे कि बेसिकली यहाँ पे सबसे डिमांडिंग कोर्स कौन सा है और उसमें पीआर कितनी जल्दी हो जाती है। यहाँ पे मोस्ट डिमांडिंग, इंडिया से मोस्ट डिमांडिंग, हर बंदा, हर एजेंट, हर स्टूडेंट जिसको प्रेफर करता है उस कोर्स के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम खाएंगे हंग्री जैक्स, फिर आपके साथ बात करते हैं। तब तक के लिए आप देखें टाइम लैप्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन सी 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि कैनबरा में टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं और किन में आपको जो बैचलर्स ऑफ नर्सिंग है वो मिलेगी और क्या उसका फीस स्ट्रक्चर रहेगा। पहले हम बताते हैं कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। नंबर 1 है कैनबरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 2 जो है वो है ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी। नंबर 3 पर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा। 4th नंबर पर आती है ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। 5th एंड द लास्ट वो है UNSW कैनबरा, जो है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स। ये मैंने पेज पे भी लिखी थी, इनमें से जो 2 यूनिवर्सिटियाँ वो तो उनमें तो है ही नहीं बैचलर्स। पहली है ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी और लास्ट है UNSW कैनबरा, इनमें तो है ही नहीं है बैचलर्स ऑफ नर्सिंग का कोर्स ही नहीं है, तो ये तो गई लिस्ट में से बाहर। अब रह गई 3 यूनिवर्सिटीज़ और इनमें हम आपको बताएंगे कि क्या फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा, क्या रिक्वायरमेंट है आइल्स की या PTE की, और उसके बाद कितने देर का कोर्स है, सब कुछ बताएंगे। इंटेक भी बताएंगे कौन सा है, देखते रहें आगे। जो पहला है वो है कैनबरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कैनबरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको बैचलर्स की डिग्री नहीं मिलती, बट उसकी बजाय आपको मिलता है डिप्लोमा सेम, जो कि जिसकी एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट है +2। और +2 में आपको मैथ्स होना चाहिए और इंग्लिश तो आपको होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है। मतलब कि इसके बाद अगर हम बात करें को डिप्लोमा का ड्यूरेशन कितना है, तो वो है 1.5 ईयर का, मतलब 1.5 साल का डिप्लोमा होगा। और इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो $7,250 इसकी फ़ीस है आई थिंक एक सेमेस्टर की। और उसके बाद अगर आइल्स और PTE की बात करते हैं तो आइल्स PTE में आपको चाहिए, आइल्स में चाहिए आपको 7 ईच एंड ओवरऑल भी 7 चाहिए, और अगर PTE की बात करें तो 65 ईच एंड 65 ही ओवरऑल चाहिए। तो ये सारा था। और हाँ, इनका इनटेक फेब और जुलाई दोनों में होता है, तो आप किसी भी सेमेस्टर में आ सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा। तो इसमें आपको मिल जाता है गाइस बैचलर्स ऑफ नर्सिंग मिल जाती है, जिसकी ओवरऑल बैंड रिक्वायरमेंट है 7 ईच एंड ओवरऑल भी 7 चाहिए, PTE की 65 और दो उसमें भी 65, ओवरऑल भी 65। अगर हम इसकी बात करते हैं कि आपका फ़ीस स्ट्रक्चर कितना होगा, तो होगा आपका 32,000 पर ईयर, मतलब कि अगर एक सेमेस्टर की बात करें तो $16,000 का एक सेमेस्टर हो जाएगा। और इनका जो टाइम है ड्यूरेशन, ये 3 साल का कोर्स है, मतलब आपको 3 साल का वीज़ा मिल जाएगा। और इसका जो इनटेक है वो फेब इनटेक अभी शो कर रहा है, अगर आई थिंक अगर जुलाई वाला है जो वो बाद में थोड़ी देर शो करेगा जब ये ख़त्म हो जाएगा, बट राइट नाउ ओनली फेब शो कर रहा है। तो इसके बारे में आप अगर मोर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी को कॉल कर सकते हैं। अब रह गई तीसरी, वो आपको बताते हैं। हमारी तीसरी यूनिवर्सिटी है वो है ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी, जिसमें आपको सेम प्रोग्राम मिल रहा है बैचलर्स ऑफ नर्सिंग। और इसका थोड़ा सा एडवांटेज आपको ये है कि इसकी जो फ़ीस है वो थोड़ी कम है बाकियों से। तो इसकी फ़ीस है $30,400 एक साल की, मतलब कि अगर एक सेमेस्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट 15,200 हो जाती है। और ड्यूरेशन इसकी भी 3 साल है, रिक्वायरमेंट इसकी भी सेम है 7 ईच 7 ओवरऑल एंड PTE के 65 ईच 65 ओवरऑल। और इनटेक इसके भी दोनों अवेलेबल है, फेब और जुलाई, बट राइट नाउ फेब अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि जब आएगा जुलाई जब आएगा तब ये शो कर देंगे। और
अगर हम बात करते हैं इन तीनों में से आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, तो लोकेशन वाइज तीनों सेम जगह पे ही हैं, मतलब आसपास ही हैं। कैनबरा में एक ब्रूस है, वहाँ पे सबब उसके अंदर ही यूनिवर्सिटी पड़ जाती हैं, मतलब कि थोड़ी थोड़ी दूर ही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईजिली अवेलेबल हो जाएगा आपको। तो अगर आपको चूज़ करनी हो तो ये ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं, इसकी फ़ीस आपको थोड़ी सी कम पड़ेगी। अभी तो आपको $600 लग रहा होगा, बट अकॉर्डिंग टू मी $600 बहुत ज़्यादा होता है। जब आप खुद यहाँ पे आके काम करोगे और कमाओगे तो आपको मतलब एक बहुत ही ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा जस्ट $600 के लिए। तो ये थी तीन यूनिवर्सिटी जो कैनबरा में आपको मिल जाएंगी बैचलर्स ऑफ नर्सिंग के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता ही है क्या करना है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप है, बट फिर भी आपका भाई आपके लिए वीडियो बना रहा है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो गाइज आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड बी सेफ।